इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, एन टर्म का सम इस फॉर्मूले से दे रखा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म होगी वही उसका सम होगा, फर्स्ट टर्म का तो सम वही होगा जो टर्म है, क्योंकि एक ही टर्म हो तो, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, दो टर्म का सम क्या होगा, व्हाट इज सेकेंड टर्म, उसके बाद आपने सेकेंड टर्म बतानी है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म द टेंथ टर्म एंड द nth टर्म, फिर आपने थर्ड टर्म को बताना है, टेंथ टर्म को बताना है और nth टर्म को इसके अंदर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखिए, ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ भी लिख रखा है, पहले तो देखिए सम ऑफ n टर्म जो है दे रखी है, क्या दे रखी है, एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ये आपका है सम ऑफ n टर्म्स, यहाँ आप n की जगह 1 रखिए तो फर्स्ट टर्म का सम आ जाएगा, वही आपकी फर्स्ट टर्म भी हो जाएगी, पुट n इज इक्वल टू 1, क्या बन जाएगा आपका, ये एस वन हो जाएगा, ए वन भी हो जाएगा यही और एस वन भी यही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर आपको एपी दे रखें, जैसे सपोज कीजिए इस ढंग से एपी है, कोई 2 है, फिर 5, फिर है 8, फिर 11, इसके अंदर ये आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म कहो चाहे इसको, चाहे इसको फर्स्ट टर्म का सम कहो, एक ही बात है तो एक ही है इसमें, तो एस वन क्या बनेगा आपका, इसके अंदर रखेंगे वैल्यू हम सारी एन की, 4n की जगह 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 3, यानी ये आपका एस वन भी हो गया और आपका ये आपका फर्स्ट टर्म का सम भी हो गया, दोनों बात हो गई आपकी। अब n इज इक्वल टू रखिए, पुट n इज इक्वल टू 2, इसी में रखेंगे एस टू, 2 रखेंगे तो क्या आएगा आपका एस टू, एस टू इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n, n की जगह 2 माइनस एन स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 8, 2 का स्क्वायर 4, ये क्या हो जाएगा आपका 4, तो ये आपका हो गया 2 टर्म का सम हो गया आपका, तो सम ऑफ 2 टर्म्स जो है यानी कि a1 और a2 का सम कितना हो गया आपका 4 है, एस टू ही तो है, एस टू क्या होगा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम 4 के इक्वल है, अब फर्स्ट टर्म आपने कितनी निकाली है, 3 निकाली है, इसकी जगह 3 लिख दीजिए, प्लस ए टू इज इक्वल टू 4, और ए टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1, यानी ए टू इज इक्वल टू आपका, ए टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1, ये आपके हो गए सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म हो गई भी, फर्स्ट टर्म निकाल ली, सेकेंड टर्म निकाल ली, अब कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए यहाँ से आप, डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस कर दीजिए, अब सेकेंड टर्म क्या आपकी 1, फर्स्ट टर्म क्या थी आपकी 3, तो 1 माइनस 3 कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा 2, यानी कि ये आपका हो गया डी, कॉमन डिफरेंस माइनस 2, ये आपका डी हो गया। उसके बाद आपने क्या क्या बताना था इसके अंदर, आपने आपने बताना था व्हाट इज द फर्स्ट टू टर्म, दो बता दी है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म बता दी है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म द टेंथ टर्म और nth टर्म, अब बता दें थर्ड टर्म को, अब थर्ड टर्म अगर बताएंगे तो थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू क्या होता है आपका a प्लस 2d के, a कितना फाइंड आउट किया है 3, यानी कि a1 है, a1 ये आपका कितना 3 है, इसको a1 कहो या फर्स्ट टर्म, तो यही होता है आपका 3 प्लस 2d, हमने कितना निकाला अभी माइनस 2 निकाला है, तो 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका माइनस 1, यानी कि थर्ड टर्म आपकी क्या हो जाएगी माइनस 1 हो जाएगी। उसके बाद आपने निकालनी है टेंथ टर्म, टेंथ टर्म a10 किसके इक्वल होगा आपकी a प्लस 9d, a कितना आपका वही 3 जो है, a कितना आपका 3 निकाला था हमने, प्लस 9d, d हमने कितना निकाला है माइनस 2 निकाला है, तो 3 और 9 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 18 क्या हो जाएगा आपका माइनस 15, यानी कि टेंथ टर्म जो है आपकी वो आपकी क्या हो जाएगी 9 18 माइनस 15, तो टेंथ टर्म आपकी a10 किसके इक्वल हो जाएगा आपकी भी माइनस 15 के, ठीक है। उसके बाद कौन सी बतानी है आपने, nth टर्म किसके बराबर an, वो बतानी है आपने, और an का फॉर्मूला क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a आपका कितना है 3 है, प्लस
एन माइनस वन डी, डी आपका कितना है माइनस टू, तो ए एन इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, फिर देखिए थ्री माइनस टू को एन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू एन, माइनस वन और माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा प्लस टू, और ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री और टू कितना हो जाएगा आपके फाइव माइनस टू एन, ये आपकी हो जाएगी nth टर्म। और इस ढंग से आपका ये 11th क्वेश्चन कंप्लीट।